हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 1 नवंबर और मैं अभी जा रहा हूँ शाहरुख खान के बंगले के पास, क्योंकि डेफिनेटली आज शाहरुख खान का बर्थडे है और क्योंकि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो यस मुझे जाना है। वहाँ जाने से पहले मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो फ़लस्तीन में हो रहा है उन फ़लस्तीन लोगों के लिए आप दुआ कीजिए कि जितने भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। ये जो भी है बहुत 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 ज़्यादा बुरा है। बच्चों की जान जा रही है, औरतों की जान जा रही है, बूढ़े लोगों की जान जा रही है, लोग आखिरी दम तक कलमा पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़लस्तीनी लोगों के लिए दुआ कीजिएगा और ये दुआ कीजिए कि जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी मुश्किलें जल्द से जल्द आसान हो। तो गाइस ठीक है, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मैं अभी फ़िलहाल हूँ गोदरेज के हाईवे के ऊपर और यहाँ से जो है हम सीधा जाएंगे बांद्रा के बाद देखते हैं क्या हुजूम है और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। गाइस तो एक चीज़ में जो बताना भूल गया कि मेरे साथ हम दो लोग जाने वाले थे एक्चुअली, लेकिन एक जो मेरा दोस्त है खुद को फ़ैन बोलता है लेकिन उसकी हरकत वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल अकेले जा रहा हूँ, राइट? आप देख सकते हो मेरे पीछे कोई भी नहीं है। तो ये अभी हम चलते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि हम सब लोग गए थे और मैं बात कर रहा हूँ आज से 5-7-7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हम लोग सब गए थे, मैं, वलीद, शाकिब, फैजान और वहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों ने पुलिस के फटके भी खाए थे। तो ये उस दिन के बाद से उन लोग की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यार हम लोग तो शाहरुख के फैन, तो जाना तो बनता है। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है और दुआ करते हैं कि मार ना खाए, क्योंकि मार खा लेंगे तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। तो ये जाते हैं, ऐसे तो शाहरुख खान से मिलने का सपना ही रहेगा, पता नहीं वो कब पूरा हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला काम ऐसा ज़रूर करेंगे किसी दिन कि हम लोग उससे मुलाकात कर सके, मिल सके और वो हस्ती को देख सके कि वो क्या हस्ती है। तो ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ इंशाल्लाह ताला। बड़ी लाइन है और टाइम हो रहा है 10:44 और हमको वहाँ पर 12 बजे तक पहुँचना है, 12:15 तक, और बहुत ज़्यादा लाइन है यहाँ पर। तो टाइम हो रहा है 10:55, पूरा 10 मिनट चले गया यहाँ पर। अब रॉन्ग वे मारना पड़ेगा, नहीं हम लोग को सीधा ही जाना पड़ेगा, फिर वापस घाटकोपर से घूमना पड़ेगा। ये अपना रास्ता है, ठीक है गाइस, चलिए लेट्स सी क्या होता है, चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारी की चीज़ें बहुत अच्छे से और आराम से हो जाए। शाहरुख खान के लिए ही जा रहे हैं। रास्ता था वो रास्ता बंद कर दिया है पुलिस वालों ने, तो अभी ये जो कोई चर्च है यहाँ पर, वो चर्च के रास्ते से सब लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और ये सारी भीड़ जो है कार से, बाइक से, लोग सिर्फ आए हैं एक ही शख्स को देखने के लिए और वो है शाहरुख खान। तो यस, इट एक्साइट्स मी बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। तो यस अभी हम लोग पहुँचे हैं, अब देखते हैं यहाँ से भी रास्ता है उसके घर के लिए। एंड ट्रैफिक जाम बहुत पहले से लगा हुआ था, ये तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, नीचे से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और भीड़ देखो आप लोग, हर कोई ऐसा जगह फैन बन के यहाँ पर आया है। ये एक फेस्टिवल से कम नहीं है। जा रही है, पता नहीं समझ रहा है।
पागल हो गई, पागल लिटरली। इतनी सारी पब्लिक, सबसे खास बात क्या है मालूम गाइस, कि अगर शाहरुख नहीं भी आएगा ना तो यहाँ पे से कोई भी उदास होकर नहीं जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ एक फेस्टिवल की तरह हो चुकी है, एक फेस्टिवल की तरह हो चुकी है ऑलमोस्ट। बैरिकेड हट रहे हैं शायद, एंड इट्स गोइंग टू बी फन लिटरली। ये देखो पब्लिक गई वहाँ पर, अब ये लोग मार खाएंगे या तो मार खिलवाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज। ये लोग ने टी शर्ट वगैरह भी ऐसा के साइन के साथ पहने हुए, वाओ क्रेज हो तो ऐसा हो वरना ना हो गए। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर खड़े होकर के मैंने वो किया था। ये पुलिस की गाड़ी जा रही है, यानी शाहरुख भाई बाहर। पब्लिक साइड भी दे रही है, जो भी आ रहा है हर किसी को साइड दिया जा रहा है, बहुत सेफली सब लोग आर पार हो रहे हैं। और अभी जो है बैरिकेड तारे के तारे हट गए, मापर मारना शुरू हुआ। आराम से मारेगी नहीं भाई, लगा नहीं ना। वहाँ पे तोड़म ताड़ी चालू हो गई। और ग्रुप पे कोई नया, अरे क्या बोलते हैं, कहते भाई सब ठीक, अकेले आए तो भाई। मैं बोला मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। Thank you.
पता खड़ा हो ये लोग को देखो सब लोग पागल है पागल Yeah.
सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं एंड पूरा के पूरा आप लोगों ने देखा क्या धूम मचा ये लोगों ने. सो इट वॉज कम्प्लीटली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. ये देखो ये एक इमोशन है यार, आप लोग इसको बीट नहीं कर सकते. अगर आज शाहरुख नहीं भी आता तो भी लोग यहाँ पे अगर निराश होकर नहीं जाते तो खुश होकर जाते. लेकिन दिस इज अ फेस्टिवल, ये एक त्यौहार हो गया है. अभी शाहरुख खान का बर्थडे इज अ फेस्टिवल नाउ, इट्स SRK डे. तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सबका सब. अब हम चले सीधा घर की तरफ. बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं गलत नहीं हूँ तो अराउंड 5-6 हज़ार लोग तो आराम से होंगे. और लोग कहाँ कहाँ चढ़ के क्या क्या कर रहे थे. एक बात याद रखना, अगर आप लोग आओ यहाँ पर तो फैमिली के साथ आने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है. छोटे छोटे बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे हम लोगों ने देखे जो एक्चुअली एक तरीके से पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो गए थे. सांस पास लेने की जगह नहीं होती, हम लोग खुद एकदम पसीना पसीना हो गए थे. बट जब शाहरुख खान आया तब मेन गेम था, वो एक अच्छी चीज़ थी. तो ठीक है, ये देखो क्राउड जा रहा है अभी भी, बहुत बहुत ज़्यादा पब्लिक, इतनी पब्लिक हो. देखो वहाँ पे तो अभी भी ट्रैफिक जाम है और मुझे ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए और 10 मिनट्स चले गए. तो ये सभी आई गेस यहाँ से अंदर से इन्होंने एंट्री दिया है कि यहाँ से राइट से एंट्री दिया हुआ है. आई डोंट नो, ऐसा ना हो जाए कि ब्लॉक हो जाए हम लोग तो ठीक है. हाँ गाइस, तो जब वो बाहर आया है ट्रस्ट मी इतना खूबसूरत और इतना चमक रहा था माशाल्लाह शाहरुख खान. अल्लाह ने एक अलग ही नूर दिया है, अल्लाह ने बहुत अलग नूर दिया है. और बहुत कम लोग होते हैं जिन लोगों को लोग इतना प्यार करते हैं माशाल्लाह. बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया. काला टी शर्ट, ब्लैक कैप थी शायद, एक चश्मा था, हाथ में घड़ी थी, सब चमक रहा था भाई साहब. एंड दिस वॉज समथिंग एल्स, दिस वॉज समथिंग मतलब नहीं आ रहा है इसके ऐसा कोई नहीं है. सब आएंगे जाएंगे लेकिन शाहरुख खान को बीट करने के लिए उसके ऐसे 10 शाहरुख खान लेके आने पड़ेंगे. वो कैसे लाओगे यार. अभी कल टंकी का ट्रीजर भी है तो वो भी देखना है. मैं लास्ट ईयर भी आया था गाइस, लेकिन लास्ट ईयर क्या हो गया था, मैं बहुत पीछे खड़ा था, अकेला था. बट यहाँ पे आने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. ऐसा लगता है कि आप मतलब वो वाइब है यार, वो वाइब जब मिल जाती है ना तो ख़त्म हो जाता है इंसान फिर उसको. अब मैंने तो ज़्यादा टाइम कैमरा पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैं तो लाइव देखने में उसको बिजी था. लेकिन आप लोग के लिए कुछ क्लिपिंग्स मैंने निकाली है, आप लोग देखना इंशाल्लाह ताला और बताना आपको वो क्लिपिंग्स कैसी लगी. तो ठीक है, अब जहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें खुली और हम चले अब विक्रोली. मैंने पहले ही सेटिंग कर लिया था, मैंने कौसर को बोला था देखो तुम लेट आने वाली हो मेरे को मालूम है, इसलिए अजान को थोड़ा नाना नानी संभाल लेंगे. और आज तो भाई अपने को लेट होएगा क्योंकि आज शाहरुख खान का बर्थडे है, आज अब कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते. तो ठीक है गाइस, चलो हम लोग अभी पहुँचते हैं घर पर. आई गेस अजान और कौसर सो चुके होंगे और देखते क्या होता है. मेरा लेफ्ट साइड भी बहुत दुख रहा है क्योंकि गाड़ी चलाते व्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. ठीक है गाइस, आज के व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया है. ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. यस ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दिया. इसी तरीके से प्यार दर्शाते रहिए और मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग गाइज. टिल देन यू गाइज कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड हैव अ ब्लास्ट.